और चलिए अब आपको खबरें बताते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार, कुपवाड़ा में छिपे आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंक के सफाई के लिए तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से ये खबर, कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आतंक के सफाई के लिए सुरक्षा बल जुटे हुए हैं, फुल प्रूफ प्लान हो चुका है तैयार, एक एक आतंकी का हिसाब चुन चुनकर सुरक्षा बलों की ओर से किया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। आतंक पर प्रहार का पूरा एक्शन प्लान तैयार है। कुपवाड़ा में छिपे आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में, पिछले एक महीने में जम्मू रीजन में खासतौर पर जिस तरह से आतंकी हमले बढ़े हैं, उसके बाद सेना एजेंसीज पूरे तरीके से अलर्ट और एक्टिव मोड पर हैं। मेरे साथ आशिक मीर जुड़ गए हैं श्रीनगर से, ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता आशिक मीर। फिलहाल जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर, उनको लेकर क्या जानकारी है, कितनी कामयाबी हाथ लगी है, क्या कोई नया इनपुट भी हाथ लगा है एजेंसीज को, सुरक्षा बलों को? अब बिल्कुल, अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, चाहे साउथ कश्मीर की बात करें या नॉर्थ कश्मीर के इलाकों की बात करें। बीते कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी ने एक बड़ी कोशिश जो की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, बैट एक्शन टीम को जो है नाकाम बना दिया गया, और इसमें एक कुछ सेना के जवान भी जो है घायल हुए थे, जिसमें एक आतंकी को जो ढेर किया गया था, साथ साथ एक फौजी जवान की मौत भी इसमें हुई थी। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि बीते एक महीने से लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही है, चाहे कुपवाड़ा के केरन सेक्टर की बात करें या लोलाब सेक्टर की बात करें। तो इन चीजों को देखते हुए सेना सुरक्षा बलों की तरफ से जो है एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है कुपवाड़ा के इन जंगलाती इलाकों में। अगर हम बात करें, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी की तरफ से एक बड़ा बयान आया, जिसमें उनने कहा कि पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज ने इन्फिल्ट्रेट करके जम्मू कश्मीर में पना ली है, और जितनी भी आतंकी घटनाएं चाहे जम्मू के इलाकों में हो रही है या कश्मीर के इलाकों में हो रही है, तो ये बाजाब्ता तौर पर यही एसएसजी कमांडोज कर रहे हैं। यानी एक बड़ा खुलासा है ये। और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं कि जम्मू के इलाकों में किस तरह से डिस्टर्बेंस फैलाई जा रही है, यानी जो एटमॉस्फेयर पीस का बना हुआ था जम्मू कश्मीर में, इसको किस तरह से बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश जो है पाकिस्तान में हो रही है। और इसी आतंकी घटनाओं को देखते हुए जांच एजेंसियों ने जो है एक बड़ा प्लान बनाया है इन आतंकियों के खिलाफ, जिस पर अब काम चल रहा है। कुपवाड़ा के कई इलाकों में इस वक्त बड़े पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें सेना के पैरा कमांडोज को उतारा गया है, यानी सुरक्षा बलों की जितनी भी टीम्स है उनको इन जंगलों में उतारा गया है, ताकि इन आतंकियों का खुले तौर पर सफाया हो जाए। अब ठान ली गई है और यही वजह की ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। आशंकाएं कई जताई जा रही हैं कि एसएसजी कमांडोज की इन्वॉल्वमेंट रही है, बैट की इन्वॉल्वमेंट रही है, क्योंकि जंगलों के इलाके में हाइडआउट्स बनाए गए हैं आतंकियों की ओर से, क्या उसी हिसाब से जो ऑपरेशंस हैं वो चलाए जा रहे हैं आशिक मीर? खासतौर पर कश्मीर रीजन की हम बात करें, इनपुट्स क्या मिले हैं, क्या जम्मू में, चूंकि हमने देखा पिछले दिनों हमले बहुत ज्यादा हुए हैं, तो ये हाइडआउट्स जम्मू रीजन में हैं या फिर घाटी में आतंकियों की ओर से पनाह ली गई है जंगलों में? से एक अलग ही स्ट्रेटेजी तैयार की गई है। जो भी हमले होते हैं, जब भी ये टेररिस्ट हमला करते हैं किसी जगह पर, तो बाद में इन्हीं जंगलों का सहारा लेकर ये फरार होते हैं। यानी एक नई स्ट्रेटजी, पहले इन आतंकियों को पनाह जो है लोकल इलाकों में मिलती थी, यानी रेजिडेंशियल एरियाज में मिलती थी, लेकिन अब अगर हम बात करें कश्मीर के इलाकों की, तो यहाँ पर इनका इनकाउंटर होता है। तो अब एक नई स्ट्रेटजी तैयार हुई है, जो भी पीओके में आतंकी कैंप्स चल रहे हैं, तो इन आतंकी कैंप्स में इन आतंकियों को जो है इन वॉरफेयर ट्रेनिंग्स दी जाती है, यानी जंगलों में किस तरह से आप हमला कर सकते हैं, ऐसी ही ट्रेनिंग्स इनको वहां पर मिलती है। और यही स्ट्रेटजी अब कश्मीर में भी अपनाई जा रही है। जम्मू में भी हमने देखा कि किस तरह से डोडा में हमला किया गया, बाद में जो है सेना की तरफ से वहां पर बड़े पैमाने पर जंगलाती इलाकों का जो है महासरा किया गया, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आज भी कई इलाकों में, चाहे राजौरी पूंछ की अगर हम बात करें, तो इसी तरह हमने देखा कि बीते एक महीने से लगातार कश्मीर के केरन सेक्टर से लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, और ये आतंकी जो है इन्हीं जंगलों का सहारा लेकर
यहाँ पर घुसपैठ की कोशिशें करते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान जो है हमेशा अलर्ट रहते हैं और इसी पर जो है इस वक्त बड़े पैमाने पर कश्मीर में जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, सेना का बड़ा अभियान चल रहा है, तलाशी अभियान आतंकियों के सफाई के लिए, और जम्मू रीजन में घाटी में ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, सफलता भी कुछ में हाथ लगी है।